ऑक्साइड एंड द रेस्ट. तो एक्चुअली में अगर ग्रुप 13 को डिवाइड किया जाए बेटा, तो ग्रुप 13 में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आना है, वो पार्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द कंपाउंड ऑफ बोरॉन. तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन. द फर्स्ट कंपाउंड दैट यू हैव टू स्टडी इज बोरिक एसिड H3BO3. What all information do we have for boric acid? देखिए boric acid का अगर हम लोग structure draw करें, वो हम लोगों को पता है, it's this. एक चीज आप और ध्यान रखना बेटा, boric acid H3BO3 को हम लोग BOH whole thrice भी लिख सकते हैं. तो please don't get confused looking at this कि BOH whole thrice तो बेटा base होना चाहिए, एसिड क्यों है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करती हूँ, तो AlOH होल थ्राइज इज अ बेस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दैट्स अ बेस. बट वहीं पे एल्यूमिनियम से जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट हमारा बोरॉन है, अगर मैं उसे BOH होल थ्राइज लिख दूं तो ये बेस ना होके ये क्या है बेटा, एसिड. बिकॉज हम लोगों ने डिस्कस करा है कि बोरॉन एक सेमी मेटल होता है, बट बोरॉन का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है. तो बोरॉन का अगर ऑक्साइड एसिडिक है, तो बोरॉन का हाइड्रोक्साइड भी तो एसिडिक हुआ. तो एक तरीके से बोरॉन का हाइड्रोक्साइड ही तो है, हालांकि हम इसे बोरॉन का हाइड्रोक्साइड बोलते नहीं है क्योंकि ये एक एसिड है, वी कॉल इट बोरिक एसिड, बट दिस इज एग्जैक्टली कमिंग फ्रॉम हेयर. बट सिमिलरली Al2O3 की अगर मैं बात करती हूँ, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, वो हमने बोला कि एल्यूमिनियम क्या होता है, एक मेटल और अ मेटलॉइड क्या होता है, एल्यूमिनियम इज अ मेटल बट इट्स ऑक्साइड इज एम्फ्रोटेरिक इन नेचर. सिमिलरली AlOH होल थ्राइज इज ऑल्सो एम्फ्रोटेरिक बट लिटिल बिट बेसिक, थोड़ा बेसिक होता है बट एसिडिक भी हो सकता है, पर ज्यादा बेसिक कंडीशन होती है इसके अंदर, है ना. तो ये सारी चीजें कि किसी का हाइड्रोक्साइड एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये सारी चीजें यहीं से आती है कि उनका ऑक्साइड कैसा है. तो कमिंग ऑन टू द बोरिक एसिड, हम इसको BOH होल थ्राइज भी लिख सकते हैं, पर BOH होल थ्राइज एक एसिड है ना कि एक बेस, दैट्स फर्स्ट पॉइंट. सेकेंडली अगर मैं इस एसिड की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल बेटा हम लोग लिखते हैं HCl, राइट. तो HCl को आप कैसे तोड़ते बेटा, H प्लस HCl माइनस. अगर आपके पास H2SO4 होगा, H2SO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दिस इज H2SO4, इसको मैं कैसे तोड़ती हूँ, H प्लस एंड HSO4 माइनस, एक H प्लस निकाल दूंगी, HSO4 माइनस बनेगा, फिर इसका भी एक H प्लस निकाल दूंगी, तो SO4 2 माइनस मिलेगा, लाइक दिस. तो आप ये जो एसिड्स देख रहे हैं, ये सारे एसिड्स एसिड्स क्यों हैं, बिकॉज दे आर गिविंग एच प्लस आयंस, राइट. सो दे आर ऑल एसिड्स, वाई, बिकॉज दे आर गिविंग एच प्लस आयंस, और आई कैन से प्रोटॉन, सो दे आर ऑल प्रोटोनिक एसिड, राइट. बट व्हेन आई कम टू बोरिक एसिड, मुझे देखने में लगता है कि इस बोरिक एसिड में भी 3H है जो कि ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ प्रेजेंट है, और ये तीनों एच निकल जाने चाहिए एक एक करके, लेकिन ऐसा नहीं होता. बोरिक एसिड अपना एक भी एच देने को राजी नहीं है. तो जब ये एच नहीं देगा तो ये एसिड कैसे हुआ. तो एसिडिटी और बेसिसिटी का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में. आई हैव 3 कॉन्सेप्ट्स फॉर एसिड्स एंड बेस. वन इज द अरहेनियस कॉन्सेप्ट, वन इज द ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, अदर वन इज द लुईस कॉन्सेप्ट. वॉट इज अरहेनियस कॉन्सेप्ट, कि पानी में जाके एच प्लस दे, दैट्स अरहेनियस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड. बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि सिंपल H प्लस दे, प्रोटॉन डोनर इज एसिड. व्हाट इज लुईस कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, दैट्स अ एसिड. तो ये अपने H प्लस तो नहीं दे रहा, ना पानी वैसे दे रहा है, ना कैसे भी दे रहा है, ना पानी में अपने H प्लस देगा, ना कभी वैसे अपने H प्लस देगा. मतलब ये किसी भी सेंस में ब्रॉन्स्टेड एसिड या फिर अरहेनियस एसिड तो नहीं हुआ. तो ये एसिड क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका 2p ऑर्बिटल वीकेंट होगा, इसके पास 6 ही तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इट्स ऑर्बिटल वुड बी एम्प्टी. अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है. तो दिस स्पीशीज इज एक्चुअली अ लुईस एसिड. तो बोरिक एसिड के ऊपर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, इंस्टेड इट इज अ लुईस एसिड, इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, इंस्टेड इट इज अ Lewis acid. Is that clear till now? Any doubt? First thing. Second thing about boric acid is कि अगर let's say इस boric acid को बेटा मैंने पानी में डाला, क्योंकि पानी में डालना is obvious ना, acid को gas form में तो रहने वाला नहीं है, उसका आप solution तो बनाओगे. तो आप जैसे ही boric acid का solution बनाते हो,
बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है टेट्रा बोरेट आयन में, बी ओ एच होल फोर माइनस एंड एच प्लस इज गिवन आउट. तो सेवरल क्वेश्चन कम्स इन माई माइंड, इट इज गिविंग एच प्लस, देन वाई इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड. यू सेट कि अपना एच प्लस नहीं देगा पर वो एच प्लस दे रहा है, तो इसको प्रोटोनिक होना चाहिए, ये लुइस क्यों है? तो बात ये समझ आती है बेटा, ये अपना एच प्लस नहीं देता है. जब आप इसे पानी में डालते हैं तो पानी में प्रेजेंट रहता है एच प्लस आयन एंड ओ एच नेगेटिव आयन, एंड आई सेड इट्स अ लुइस एसिड बिकॉज इट वॉन्ट्स टू गेन इलेक्ट्रॉन. तो गेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इन टर्म्स ऑफ ओ एच, बिकॉज ओ एच हैज अ माइनस साइन ना, तो इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को वो एक्सेप्ट कर लेता है और बना देता है बी, तीन ओ एच तो पहले से लगे हुए, एक ओ एच और ले लेता है बी एच होल फोर माइनस. और पानी का जो ये एक एच प्लस है दैट इज द वन विच इज प्रेजेंट हियर. दैट मीन्स इन केस अगर मैं बोरिक एसिड को बेटा डी टू ओ में डालूं तो तुम्हें पता चलेगा ये बनेगा बी ओ एच होल थ्राइस. अपने पास तो इसके तीन ओ एच है ही, वॉटर से इसने क्या लिया है ओ डी, क्योंकि वॉटर में अब डी टू है तो डी प्लस और ओ डी माइनस होगा, है ना? तो वॉटर से इसने लिया है ओ डी और बनाया क्या है ये, और वॉटर का जो डी प्लस है वो क्या है सोल्यूशन में रह जाएगा. तो दिस इज अ एविडेंस शोइंग मी कि ये अपने एच प्लस किसी भी हालत में नहीं देता, इवन इफ यू मेक इट्स एक्वस सोल्यूशन. दो इट गिव्स एच प्लस बट दैट्स नॉट एसिड का एच प्लस, दैट एच प्लस इज कमिंग फ्रॉम वॉटर. और वॉटर का एच प्लस क्यों आया, क्योंकि इसने वॉटर का क्या एक्सेप्ट कर लिया ओ एच माइनस. सो दिस इज गिविंग मी एन इंडिकेशन कि हाँ ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है. दो ये प्रोटॉन देता है बट दैट प्रोटॉन इज नॉट बोरिक एसिड का प्रोटॉन, दैट प्रोटॉन इज ऑफ एच प्लस कमिंग फ्रॉम वॉटर, फर्स्ट थिंग. तो ये लुइस एसिड हुआ, ये बात क्लियर हुई. बट अगर मैं किसी भी एसिड का एन फैक्टर निकालती हूँ तो वो मैं निकालती हूँ कि नंबर ऑफ एच प्लस आयंस फर्निश्ड बाय एसिड. आई नेवर मेंशन कि वो एच प्लस आयंस किसके होने चाहिए, आई नेवर बॉदर्ड अबाउट वो एच प्लस आयंस किसके होने चाहिए. आई जस्ट से इसके सोल्यूशन शुड हैव एच प्लस आयंस, दैट इज वॉट इज माई एन फैक्टर ऑफ एसिड. सो इफ दैट थिंग गोज हेयर तो सोल्यूशन में एच प्लस तो आया ना वन, तो दैट मीन्स आई कैन से द एन फैक्टर ऑफ बोरिक एसिड एच थ्री बी ओ थ्री इज वन, इट्स अ मोनो बेसिक एसिड. बट कभी भी वो अपना एन फैक्टर मतलब अपना एच प्लस नहीं देता, वो एच प्लस होता किसका है वाटर का है. तो ये दो चीज़ें अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है बोरिक एसिड के बारे में, हर फ्रीक्वेंट ईयर में पूछा जाता है. भूलना मत कि बोरिक एसिड प्रोटोनिक एसिड नहीं होता, ना ही अरेनियस एसिड होता है, ना ही ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा एसिड होता है लुइस एसिड. और इसी वजह से वो वाटर का ओ एच एक्सेप्ट करता है और इसी वजह से एक एच प्लस आयन वाटर का सोल्यूशन में रह जाता है, इसी वजह से इसका एन फैक्टर वन होता है और ये क्या कहलाया जाता है मोनोबेसिक. एम आई क्लियर टिल नाउ, एनी डाउट प्लीज नोट. चलिए यहाँ तक बात क्लियर होगी, इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, इट्स अ लुइस एसिड एंड मोनोबेसिक हैविंग एन फैक्टर वन. नाउ लेट्स नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू टॉक अबाउट बोरिक एसिड इज, लिखिए बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड. बोरिक एसिड इज वो वीक एसिड. थर्ड पॉइंट, इट इज अ वीक एसिड. नाउ वीक एसिड का क्या मतलब है बेटा? वीक एसिड का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ एच प्लस आयंस ये फर्निश कर रहा है सोल्यूशन में, हालांकि वो उसके नहीं है बट जितने भी एच प्लस आयंस वो फर्निश कर रहा है वो काफी कम फर्निश कर रहा है. अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके चलूं तो वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड को बेटा मैं कैसे डिस्टिंग्विश करती हूँ फॉर दोज हु डोंट नो एंड हैव नॉट डन आयनिक इक्विलिब्रियम. फॉर दोज स्ट्रॉन्ग एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसे हम बोलते हैं कि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हुआ है अपने एच प्लस आयंस में और कॉन्जुगेट बेस में. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव एच सी एल, तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा. मैं उसे एक सिंगल एरो से दिखाऊंगी कि कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया, पानी में डालते इसका अस्तित्व खत्म हो गया, ये बदल गया एच प्लस और सी एल माइनस, इट हैज बीन डिसोसिएटेड कम्प्लीटली, दैट इज वॉट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. Now when I talk about a weak acid बेटा वो होता है जो completely dissociate नहीं होता. अगर आप देखेंगे उसका dissociation इस तरीके से represent किया जाता है. That means वो आगे जाना भी चाह रहा है और जो products बने हैं ये वापस से पीछे भी आना चाह रहे हैं, right? Reversible है, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, कुछ अमाउंट में डिसोसिएट हुआ, दैट इज व्हाट इज अ वीक एसिड. सो एज आई सेड कि इट इज अ वीक एसिड, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब बोरिक एसिड का मैंने रिएक्शन लिखा है वाटर के साथ तो दैट आई हैव रिटन लाइक दिस, कि वो उसका जब सोल्यूशन आप पानी में बना रहे हो तो वो कंप्लीटली पानी में जाके बी ओ एच होल फोर माइनस और एच प्लस में नहीं टूट रहा, वो इक्विलिब्रियम में रह रहा है या फिर रिवर्सिबल स्टेट में रह रहा है, कि मतलब ये बैक साइड भी आ सकता है.
दैट इज वॉट इज अ वीक एसिड इज, मतलब कंप्लीटली नहीं टूटा है. मतलब यहाँ से जो H प्लस आयंस मुझे मिले हैं ये काफ़ी कम मात्रा में है ना. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अगर 1 मोलर लिया तो ये मुझे एक्जैक्टली 1 मोलर नहीं मिलेगा, ये मुझे 1 मोलर से काफ़ी कम मिलेगा. हो सकता है 0.5 मिल रहा, हो सकता है 0.02 मिल रहा, हो सकता है 0.01 मिल रहा हो, डिपेंडिंग अपॉन ये कितना वीक है ना. अभी मैंने बोला ये वीक एसिड. अब ये वीक एसिड बेटा इतना वीक होता है कि आप इसे टाइट्रेट कर ही नहीं सकते हो बेस के साथ. तो आई जस्ट होप कि आप लोग स्कूल जाते हो और या फिर कभी जीवन में स्कूल गए हों और जीवन में स्कूल में जाके लैब में गए हों, खासकर केमिस्ट्री लैब में, और लैब कोट पहन के वो ब्यूरेट और वो लेके ऐसे ऐसे कुछ कुछ किया हो. कुछ किया है जीवन में ऐसा कि ऊपर सोल्यूशन भर लेते हैं, नीचे कोनिकल फ्लास्क होता है उसमें ड्रॉप वाइज डालते हैं, सही लाते रहते हैं टिल वी गेट अ कलर चेंज, दैट इज व्हाट इज टाइट्रेशन इज. एंड द एम ऑफ डूइंग टाइट्रेशन इज टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ ईदर एसिड और बेस. इफ बेस का स्ट्रेंथ इज नोन, एसिड का स्ट्रेंथ निकालेंगे, एसिड का स्ट्रेंथ इज नोन इज बेस का स्ट्रेंथ निकालते. दैट पर्टिकुलर थिंग वी कैन डू विद एसिटिक एसिड, दैट इज ऑल्सो अ वीक एसिड, बट वी कैन डू दिस टाइट्रेशन. वी कैन डू दिस टाइट्रेशन विद एच सी एल बिकॉज दैट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड. बट बोरिक एसिड के साथ वी कैनॉट डू दिस काइंड ऑफ अ टाइट्रेशन. वो एच प्लस आयंस इतने कम देता है, इतने कम एच प्लस आयंस देता है, इतने कम एच प्लस आयंस देता है कि वो पहचाने ही नहीं जा सकते बेस के साथ. एक ड्रॉप बेस की डालोगे एच प्लस ओ एच माइनस डिसोसिएट कलर चेंज, जस्ट अ सिंगल ड्रॉप इन विल गेट अ कलर चेंज. तो जनरली होता क्या है टाइट्रेशन में, आप लोग क्या करते हैं, आप एसिड ले लेते हैं, नीचे बेस डालते हैं, फिनोथिलीन एज अ इंडिकेटर डालते हैं टिल यू गेट अ पिंक कलर. तो आप पहले करते रहते ऐसे शेक करते रहते टिल यू गेट अ कलर चेंज. बहुत थोड़ी देर बाद कलर चेंज आ जाता है, फिर आप वॉल्यूम नोट कर लेते हैं, दैट्स व्हाट यू डू. यहाँ पर इतना एच प्लस कम है कि मात्र एक ड्रॉप डालूंगी कलर चेंज हो जाएगा. तो अब मैं एक ड्रॉप से कम ड्रॉप तो नहीं डाल सकती, इससे छोटी ड्रॉप क्या ही बनेगी. तो इसके साथ टाइट्रेशन करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, ये इतना वीक एसिड होता है. तो जस्ट टू मेक इट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड डज नॉट मीन कि HCl जितना स्ट्रॉन्ग बना देंगे, नहीं नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स कि ये इतना वीक है कि इतना स्ट्रॉन्ग बना दो कि एटलीस्ट इसकी टाइट्रेशन हम लोग परफॉर्म कर सकें. तो जस्ट टू मेक दिस अ लिटिल बिट अ स्ट्रॉन्ग एसिड आई एड सिस डायोल्स. सिस डायोल्स मेक बोरिक एसिड, सिस डायोल्स एसिड इनफ स्ट्रॉन्ग टू अंडरगो टाइट्रेशन, इनफ स्ट्रॉन्ग टू अंडरगो टाइट्रेशन. तो टाइट्रेशन हो सके इतना स्ट्रॉन्ग वो बनाता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सिस डायोल्स मीन्स व्हाट. सिस डायोल्स आर बेसिकली दोज कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग OH bonds just pointing on the same side. For example, अगर आपने देखा हो इथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH, तो आप देख सकते हैं ना दो OH ग्रुप सेम साइड पे पॉइंटिंग है, दैट इज व्हाट इज अ सिस डायोल इज. सो दिस इथिलीन ग्लाइकॉल इज अ सिस डायोल. दो OH ग्रुप है बगल बगल कार्बन में, सेम साइड ओरिएंटेड है, दैट इज सिस डायोल, दैट्स व्हाट आई वॉन्ट. आई कैन एड ग्लूकोज ऑल्सो बिकॉज ग्लूकोज में अगर आप देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है CHOH ऐसे करते करते चार बार OH होते हैं बगल बगल कार्बन में एंड देन CH2OH होता है. तो आप देख सकते हैं दिस इज डायोल्स, बगल बगल कार्बन पे OH है. तो वी कैन ऐड ग्लूकोज ऑल्सो, सिमिलरली वी कैन ऐड फ्रक्टोज ऑल्सो, दैट ऑल्सो हैज द OH ग्रुप्स ऑन द नियर बाय कार्बन, सो फ्रक्टोज ऑल्सो आई कैन यूज. तो इस तरीके के कुछ सिस डायोल्स होते हैं हमारे पास, जैसे इथाइलीन ग्लाइकॉल हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, जिसमें बगल बगल कार्बन पे क्या रहता है OH रहता है. वो इन डालने से बोरिक एसिड इनफ स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है कि मैं इसका टाइट्रेशन कर सकूं. यहाँ तक बात समझ आई. अब कैसे हो जाता है, ये क्या करता है ऐसा. तो एक्चुअली में क्या होता है अगर आप इस चीज को समझेंगे ध्यान से, ये जो रिएक्शन है पानी में जैसे डालोगे बेटा, ये रिएक्शन तो हो ही रही होगी, साथ में अपने पानी में क्या डाल दिया होगा, सिस डायोल. ये सिस डायोल क्या करते हैं, ये जो बी ओ एच होल फोर माइनस है ना बेटा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाने लगते हैं. ये बी ओ एच होल फोर माइनस आपका प्रोडक्ट बना है दिस वन, ये क्या करता है सिस डायोल के साथ रिएक्ट करने लगता है, क्योंकि आप देखेंगे इसके ऊपर भी OH है, यहाँ पे भी OH लगे हुए हैं. तो इसका एक OH और इसका एक OH से वाटर निकाल दो H2O, फिर इसका एक OH और इसके एक OH से भी वाटर निकाल दो H2O. अब देखेंगे H2O, दो H और एक O निकाला ना, H2O मैंने एलिमिनेट करा, तो एक देखेंगे इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनेगा. ये एक O इधर रह गया, इसका भी एक O उधर रह गया, ये O इस CH2 के साथ जुड़ गया, फिर ये CH2 और फिर ये O, और इसके दो OH एज इट इज है.
सिमिलरली थोड़ा सा और आपने अगर CH2OH डाल दिया तो वो इस वाले जो दो OH हैं इनके साथ भी वाटर निकाल के जो है इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ बना है बेटा ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, इट्स अ क्वाइट स्टेबल कॉम्प्लेक्स वी हैव। नेगेटिव चार्ज उस पर था वो इंटैक्ट है, ये काफ़ी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ये जो आपको रिवर्सिबल स्टेट दिख रहा है आप इसे एक सीसॉ मान लीजिए, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में जा रहे हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में आ रहे हैं, चीज़ें बैलेंस्ड है, सीसॉ इज बैलेंस्ड। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है उसी हिसाब से बैलेंस हो रहा है कि सीसॉ बैलेंस्ड है। अब आपका जो प्रोडक्ट है वो जाने लग गया कहाँ, टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो योर प्रोडक्ट इज बीइंग मिसिंग फ्रॉम दिस रिएक्शन, प्रोडक्ट की साइड हल्की होगी, सीसॉ डिस्टर्ब हो जाएगा इस तरीके से। तो ली चैटरली प्रिंसिपल क्या कहता है, सीसॉ को वापस से अगर रीगेन करना है तो प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्ट को जब बढ़ाओगे दैट मीन्स मोर ऑफ द रिएक्टेंट्स वुड बी गोइंग ऑन द प्रोडक्ट साइड, दैट मीन्स दैट विल फोर्स द रिएक्शन टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, हेंस मोर ऑफ द एच प्लस वुड बी जनरेटेड एंड दैट विल मेक इट एज इनफ स्ट्रॉन्ग एसिड सो दैट आई कैन परफॉर्म इट्स टाइट्रेशन। एम आई क्लियर टिल नाउ, एनी डाउट? तो इससे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि कुछ फैक्ट्स आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉट इज ट्रू फॉर अ बोरिक एसिड, बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड एंड अ मोनोबेसिक एसिड, येस इट्स ट्रू। बोरिक एसिड इज अ लुइस एसिड, येस इट्स ट्रू। बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, येस इट्स ट्रू, बट इट बिकम्स इनफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन प्रेजेंस ऑफ अ सिस डायोल इथिलीन ग्लाइकोल ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज एटसेट्रा, येस इट इज ट्रू। Then why is it becoming a strong acid in presence of cis diols? Because the product which is formed being reacting with the cis diols to form a stable complex which is upsetting this process and henceforward reaction is more favored which increases the H plus ions concentration and your rate of matlab, and your H plus ions concentration increases and it becomes a strong acid. Ye baat kitna? Let's talk about hydrogen bonding beta. कैन यू जस्ट सी कि बोरिक एसिड में आई हैव थ्री हाइड्रोजन्स विच आर बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है, व्हेन इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड? हाँ देन इट इज अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ बनाएगा? हाँ तो इट्स लाइक हाइड्रोजन सैंडविच बिटवीन द टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए और एक और दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव के कांटेक्ट में आना चाहिए। तो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ से आएगा, दूसरा मॉलिक्यूल ले लो बोरिक एसिड का। तो अगर आप दो मॉलिक्यूल बोरिक एसिड के कंसीडर करोगे बेटा, नाउ कैन यू सी दिस हाइड्रोजन विच इज अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद दिस ऑक्सीजन एंड आई कैन हैव अ हाइड्रोजन बॉन्ड हेयर, है ना? सिमिलरली आई कैन हैव अ हाइड्रोजन बॉन्ड हेयर ऑल्सो, ऐसे यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है इसके साथ, इस वाले हाइड्रोजन का भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है इसके साथ, और कॉन्टिन्यूस लेयर्स बन सकती है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बोरिक एसिड का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो लिखेंगे यहाँ पर बोरिक एसिड हैज अ टू डायमेंशनल नेटवर्क लाइक हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डेड लेयर स्ट्रक्चर। अब इसमें देख रहे हैं कितने सारी चीज़ें आ गई हैं जो तुम्हें पढ़नी है, और हर एक वर्ड का एक अलग सिग्निफिकेंस है। एग्जामिनर उस वर्ड को चेंज करेगा पूरा मतलब ही बदल जाएगा। देखेंगे ध्यान से, पहले हैज अ टू डायमेंशनल नेटवर्क लाइक हाइड्रोजन बॉन्डेड लेयर स्ट्रक्चर, क्या मतलब है? सबसे पहले वाई आई हैव रिटन टू डायमेंशनल, if you will see this boron you can have a idea about its hybridization, its hybridization is sp2, matlab boric acid is planar, to iski hydrogen bonding bhi to ek plane network mein banegi, to aisa thodi three dimension network ban jayega, hydrogen dusra boric acid bhi isi plane mein, teesra boric acid bhi isi plane mein, sab ek hi to plane mein hai, to jo iska network banega hydrogen bonding ka wo bhi to ek hi plane mein banega, hence the network is a two dimensional network not a three dimensional। ek bar kya kiya, char statement diye aur isme se bola kaun sa statement galat hai, aur usme kya kar diya, ek statement dal diya boric acid has a three dimensional network like structure। now wo hum zyada dhyan dete nahi hai 2d 3d pe,
हम तो सब बोलते हैं हाँ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम आती है. थ्री डायमेंशन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, इसका टू डायमेंशन नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है. क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp3 नहीं है. तो दैट हैज अ टू डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. बट आइस हैज अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ऑक्सीजन इन वाटर हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चारों डायरेक्शन से होगी, टेट्राहेड्रल थ्री डायमेंशनल केज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. लेकिन इसका कैसा बनेगा? टू डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. और वो नेटवर्क क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये बात भी क्लियर है. अब आया वर्ड लेयर स्ट्रक्चर. लेयर स्ट्रक्चर तो होगा ना, एक बात बताओ मुझे, जब एक प्लेन में है एक स्ट्रक्चर, तो ये एक बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ऐसा दूसरा भी तो एक बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होगा. बोरिक एसिड में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना. सपोज ये एक मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने मिलकर एक लेयर बनाया, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दूसरा लेयर भी बनाएंगे, और दोनों लेयर्स जो होंगी आपस में वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी होंगी. सो कैन यू जस्ट रिकॉल ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर? Graphite also has a planar structure in this plane, benzene ring in this plane, and both of the rings are associated by van der Waals forces. Tabhi wo ek dusre ke upar aise slide kar sakte hain, and we say graphite has a lubricant property. Exactly same happens with boric acid. We have a dense network like structure, hydrogen bonded network like structure here, network like structure here. Held, both the layers are held by van der Waals forces. Isliye bachpan mein jab carrom board khelte hain na, तो उसके ऊपर स्लिपरी करने के लिए उसमें पाउडर डाल देते हैं, पर वो पाउडर नहीं होता, हम तो पाउडर डाल देते हैं, पर जो वैसे डाला जाता है कैरम बोर्ड के ऊपर उसे स्लिपरी करने के लिए, दैट इज बोरिक एसिड. बोरिक एसिड हैज अ स्लिपरी प्रॉपर्टी, लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू हाइड्रोजन बॉन्डेड लेयर्स. इज दैट क्लियर टू यू? यहां पर लिखेंगे, दिस इज फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, द टू hydrogen bonded layers in boric acid are held by van der Waals forces. Van der Waals forces. Therefore, boric acid is slippery in nature. उसका पाउडर जो होता है वो एकदम स्लिपरी नेचर का होता है. ये बात क्लियर हो गई सबको? तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड. वी हैव डन इट्स प्रॉपर्टी, इट्स मोनोबेसिक एंड फैक्टर वन वीक कैन बी मेड स्ट्रॉन्ग यूजिंग सिस डायोल्स एंड इट्स अ लुईस एसिड, नॉट अ प्रोटोनिक एसिड. इज दैट क्लियर टिल नाउ? नाउ व्हाट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड? So let's talk about the reactions of preparation of boric acid. Again, very very important reactions हैं. बेटा बोरिक एसिड एक एसिड है जो कि आराम से बनाया जा सकता है बोरैक्स के साथ. तो बोरैक्स होता है बेटा Na2B4O7. दिस इज बोरैक्स. बोरैक्स का फॉर्मूला Na2B4O7. इसमें अगर मैं कोई भी एसिड डालूं, लेट्स से मैंने H2SO4 या कोई भी एसिड डाला, तो वो एसिड जो है वो सोडियम को ट्रैप कर लेगा. सोडियम के साथ कौन निकल जाएगा? सल्फेट. Na2SO4 बन जाएगा. साथ में ये बोरॉन का ऑक्साइड विद हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट करके अपने हमें आपको क्या दे देगा? बोरिक एसिड. तो बोरिक एसिड इज फॉर्म व्हेन यू हैव अ बोरैक्स एंड यू ट्रीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एसिड. यू हैव H2SO4, एनी एसिड यू हैव, तो सोडियम का तो सॉल्ट बन जाता है एसिड के साथ, और बाकी सारी चीजें किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा? बोरिक एसिड में. सी, हम अगर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, नीट के लिए प्रिपेयर करें, देन वी डोंट हैव टू गो फॉर द बैलेंसिंग. वट वी नीड इज टू नो द प्रोडक्ट्स एंड द रिएक्टेंट्स. तो हम रिएक्शन को ऐसा, मैं चाहूँ तो ऐसे 2-2-3-3 करके बैलेंस कर दो, तुम भी बैठ के रटने लग जाओ. अच्छा 2A react with 3 this to give me 4 this, तो 5 this, तो कुछ नहीं मिलना तुम्हें जीवन में. What you have to remember is just the products. तो ऐसा दे सकते हैं ना कि एक कंपाउंड है A, when treated with the acid give another acid B and a salt C. तो B is this, then give me the information of B. So that question and the examiner is not about the balancing. The question is about just identifying the reactants and the products. So that you have to remember it this way only. इस तरीके से react करोगे तो आपके लिए inorganic chemistry बहुत आसान बन जाएगा. और अगर balancing के साथ याद करने लगोगे, जो कि school में ज़रूरत होती है of course, तो inorganic chemistry बहुत tough है, क्योंकि उसमें बहुत सारी reactions हैं जो तुम्हें याद करनी है school के लिए. And I am not concerned about your school at all. What I am concerned about is that you get good marks in NEET. So for that you just have to identify the products and the reactants. So you take borax. Borax is a salt. Now you can take, ना जैसे आपका NaCl होता है, now you can just identify कि Na वाला portion जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? Base से आ रहा है. And Cl वाला portion कहाँ से आ रहा है? Acid से आ रहा है.
तो बोरैक्स भी एक तरीके से बेटा सॉल्ट होता है, उसमें NaOH वाला पोर्शन होता है एक और एक बोरिक एसिड का पोर्शन होता है। तो जब आप उसे एसिड के साथ ट्रीट करते हो, जो NaOH है वो एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट बना देगा और जो एसिड इसके अंदर बोरिक एसिड प्रेजेंट होता है वो लिबरेट हो जाता है। डिड यू गेट द पॉइंट? तो इट इज लाइक दिस। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। अनदर प्रिपरेशन इज फ्रॉम कैल्युमिनाइट ओर, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। कैल्युमिनाइट ओर हैज अ फॉर्मूला Ca2B6O11। इसे भी मैं अगर सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ इसे पास करती हूं तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, मेरी बात को। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर विल गिव यू सल्फ्यूरिक एसिड ओनली, है ना। और आप इसको भी देखिए ध्यान से, जैसे ये कैल्शियम और बोरिक एसिड का सॉल्ट आ रहा, सोडियम और बोरिक एसिड का सॉल्ट आ रहा था, वैसे ये कैल्शियम और बोरिक एसिड का सॉल्ट नहीं दिख रहा, इसमें एक कैल्शियम पार्ट और एक बोरिक एसिड वाला पार्ट होगा यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट काइंड ऑफ अ थिंग, आपने वही एसिड डाल दिया। तो जैसे यहाँ पे सोडियम सल्फेट बन रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट, और बोरिक एसिड जो होगा वो लिबरेट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली बोथ ऑफ देम आर इन द सेम लाइन ओनली। तो यहाँ पे हमें मिलता है बोरिक एसिड प्लस कैल्शियम का जो सॉल्ट मिलता है वो कैल्शियम बाइसल्फाइड के साथ मिलता है, ना कि सल्फेट के साथ। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे बस थोड़ा सा, कि कैल्शियम बाइसल्फाइड का सॉल्ट मिलता है जो कि फर्दर रिएक्ट करने पे कैल्शियम सल्फेट ही मुझे दे देता है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो अब इसमें आपको जो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है वो ये लगाना है, ध्यान से देखना बेटा, ये दोनों आपस में मिलके क्या दे रहे होंगे? H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड ना, इसलिए मुझे कैल्शियम सल्फाइड मिलना चाहिए था और H2SO3 का सॉल्ट मिलना चाहिए था। तो पहले मुझे कैल्शियम बाइसल्फाइड मिलता जो कि फर्दर जाके कैल्शियम सल्फाइड ही दे देगा मुझे, है ना। और अगर मैं SO3 ले लेती यहाँ पे तो मुझे क्या मिलता? H2SO4 मिलता, तो यहाँ पे मुझे कैल्शियम HSO4 का सॉल्ट मिलता और बोरिक एसिड मिलता। डिड यू अंडरस्टैंड? सो दैट गैस वी हैव पास्ड अकॉर्डिंग टू दिस, हम एसिड जनरेट करेंगे, उस एसिड के हिसाब से हम कैल्शियम का क्या बनाएंगे यहाँ पे? सॉल्ट बनाएंगे, और बाकी जो पार्ट है वो क्या निकल जाएगा? बोरिक एसिड। और वैसे भी हमसे जो भी डिटेल पूछे जाएगी वो तो बोरिक एसिड की पूछे जाएगी, ये वाले बाय प्रोडक्ट्स तो मोस्टली मुझसे पूछे जाते नहीं है, बट फिर भी आपको पता रहना चाहिए इनकेस बता लिए तो। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपके पास क्वेश्चन आ सकता है अ ओर ऑफ कैल्शियम और अ ओर ऑफ बोरॉन, कैल्शियम एंड बोरॉन बोथ ऑफ देम इज प्रेजेंट, हैज अ फॉर्मूला दिस, इट्स ए, ऑन रिएक्टिंग विद और पासिंग अ गैस बी इट गिव्स मी अ एसिड सी एंड अ सॉल्ट डी, द एसिड इज स्लिपरी इन नेचर एंड इज मोनोबेसिक एंड ऑल दैट। तो दिस इज गिविंग यू अ हिंट दैट द एसिड इज अ बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड एक कैल्शियम के सॉल्ट से किससे बनता है? कैल्युमिनाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Ca2B6O11। एम आई क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट? सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड दैट यू हैव टू रिमेंबर। रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास, वो है हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड। ये हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे। आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर अपना दोस्त बनाना है तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहले नॉमेनक्लेचर नहीं करते, इथेन प्रोपेन 1,2-dibromopropane लाइक दैट, ऐसे इनऑर्गेनिक में भी नॉमेनक्लेचर होता है। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, ये कहाँ से अस, कहाँ से इक, कहाँ से पर, कहाँ से पायरो, कहाँ से क्या? तो हम धीरे धीरे करेंगे, जैसे जैसे हमें एसिड सामने आते रहेंगे वी विल गोइंग टू टेक अबाउट देयर नॉमेनक्लेचर पार्ट। बट राइट नाउ हम बहुत सारे जो वो एसिड्स होते हैं उनके नाम के आगे देखते हैं ना ऑर्थो लिखा होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, वैसे ये जो बोरिक एसिड ऐसे बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। तो कभी कभी तो हम बोल देते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, कभी कभी बोल देते हैं बोरिक एसिड। तो अगर हम कभी सोचते तो है नहीं इस चीज़ के लिए ऑर्थो क्यों लगाया, निकने में किसका क्यों लगा दिया ऑर्थो, इट्स मजाक नहीं है, ऐसे मजाक में चिंटू कुछ भी बोल दिया, ऐसे नहीं बोल रहे, कोई एक लॉजिक है उसके आगे ऑर्थो लगाने का। और कई एसिड्स के आगे ऑर्थो नहीं लगाते, जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, उसको थोड़ी बोलते हैं हाइपो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, आई डोंट से दिस, आई जस्ट हाइपोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक, ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोबोरिक। तो ऑर्थो का मतलब क्या होता है? ऐसा एसिड जिसमें से पानी निकालें तो उसका एक स्टेबल ऑक्साइड बने, उसे बोलते, उसके नाम के आगे क्या लगा देते हैं? ऑर्थो। तो यही चीज़ आप यहाँ देखेंगे बेटा, बोरिक एसिड होता है H3BO3,
इसको अगर मैं अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट करती हूँ, इसमें से वाटर निकल जाता है और मुझे मिलता है HBO2, मेटाबोरिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं बेटा? मेटाबोरिक एसिड। सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने क्या निकाला इसके अंदर से? वाटर माइनस H2O करा है, दो एच है ना, यहाँ तीन है तो दो निकाल दिए, एक एच बच गया, बोरॉन एसिड आ गया, तीन ऑक्सीजन थे एक निकाल दिया, दो ऑक्सीजन आ गए, HBO2 का फॉर्मूला बन गया मेटाबोरिक एसिड। इस मेटाबोरिक एसिड को अगर मैं फर्दर हीट करती हूँ 160 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो मुझे मिलता है टेट्राबोरिक एसिड H2B4O7। अब कहेंगे मैडम ये कैसे बना? आपको इसमें दिख रहा है चार बी है, इसका मतलब इसके चार मॉलिक्यूल लो और हर मॉलिक्यूल से एक एक करके वाटर निकालते रहो, क्योंकि HBO2 का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो ऐसा होता है, बी के साथ एक OH और एक डबल बॉन्ड हो, ऐसे चार मॉलिक्यूल लो और सबके जो OH है ना उनसे क्या निकालते, इसका OH और दूसरे का OH वाटर निकाला, फिर H एक और OH वाटर निकाला, ऐसे निकालते रहे चार मॉलिक्यूल का, तो जो मेरा फॉर्मूला बनेगा जनरेट होकर आएगा वो कौन सा होगा? H2B4O7 विच इज नोन एज टेट्रा बोरिक एसिड। ठीक। और अगर मैंने इस टेट्राबोरिक एसिड को रेड हीट कर दिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे हीट करा, जितना भी पानी व्यानी निकलना था सब निकल जाता है, सब कुछ हो जाता है और मुझे एक स्टेबल ऑक्साइड मिलता है जिसको बोलते हैं B2O3। दिस इज अ स्टेबल बोरॉन ऑक्साइड। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि बोरिक एसिड को रेड हीट करेंगे तो सीधा B2O3 मिलेगा। ये सिर्फ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे मैं आइसोलेट कर सकती हूँ। अदरवाइज मैंने बोरिक एसिड लिया हाई टेम्परेचर, मतलब 160 से ऊपर ले जाओ, 200-250 टेम्परेचर के आसपास ले जाओ, सीधा आपको क्या मिलेगा? B2O3। तो मेरा एक एसिड है, उस एसिड किसे सारा वाटर निकालने के बाद एक स्टेबल ऑक्साइड मुझे मिल रहा है उस एसिड का, और इस एसिड का ये जो स्टेबल ऑक्साइड है दैट्स अ वेल नोन ऑक्साइड जो बहुत मतलब स्टेबल होता है, इसलिए इस एसिड के नाम के आगे हमने क्या लगा दिया? ऑर्थो। समझ रहे हैं? ऑर्थो बोरिक एसिड। तो ये पूरा सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे पूछा जाता है कि ऑन हीटिंग बोरिक एसिड व्हाट डू आई गेट? इनिशियली आई गेट मेटाबोरिक एसिड विच ऑन फर्दर हीटिंग कन्वर्ट्स इनटू टेट्राबोरिक एसिड एंड ऑन रेड हीट गिव्स मी अ बोरॉन ऑक्साइड, एंड दिस बोरॉन ऑक्साइड अगर देखा जाए इसका ऑक्साइड है, तो एक जरा आप मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको यहाँ पे कितने बोरॉन दिख रहे हैं? दो। तो अगर इसको इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूं 3H3BO3, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए? 6, और हर वाटर में दो हाइड्रोजन निकलते हैं तो 3 वाटर निकालो, 6 हाइड्रोजन निकल गए, बोरॉन 2 बचा, ऑक्सीजन कितने निकाले? 3, और यहां पे ऑक्सीजन कितने थे तुम्हारे पास? 6 थे, 3 निकाल दिए, कितने ऑक्सीजन बचे? 3। B2O3 नहीं मिला, तो B2O3 कब मिला है? जब 2 मोल बोरिक एसिड में से 3 मोल वाटर को निकाला गया तो आपको B2O3 मिला है। तो मैक्सिमम इसके अंदर से मैक्सिमम वाटर 3 ही निकल सकते थे ना, और कोई वाटर निकल ही नहीं सकता था क्योंकि और हाइड्रोजन ही नहीं बचा इसके अंदर, कैसे निकलेगा? और आप देख रहे हैं यहां से यहां जा रही हो हाइड्रोजन बचा हुआ है, मतलब ये मैक्सिमम वाटर नहीं निकला है, यहां से यहां जा रही हो हाइड्रोजन बचा हुआ है मतलब मैक्सिमम वाटर नहीं निकला है, जब यहां गई तो सारा हाइड्रोजन खत्म हो गया मतलब मैक्सिमम वाटर निकाल दिया। तो जब एक स्टेबल ऑक्साइड बनाना होता है ना तो आप एक एसिड से जितना मैक्सिमम वाटर निकाल सकते हो अगर वो निकाल दो, उसके बाद उसका एक स्टेबल ऑक्साइड मिले तो वो ऑक्साइड जो होता है, इस ऑक्साइड को बोला जाता है कि वो इस एसिड का एनहाइड्राइड है, तो दिस ऑक्साइड इज नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ एसिड। तो B2O3 इज नथिंग बट एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड, क्योंकि एनहाइड्राइड और एसिड में यही होता है, एसिड 2 मोल एसिड का जब एक वाटर निकलता है तो हमारा क्या बनता है? एनहाइड्राइड। तो एसिड से वाटर निकालते तो एनहाइड्राइड बनता है, तो एसिड से वाटर निकाला एनहाइड्राइड बनाना, तो B2O3 को एनहाइड्राइड और बोरिक एसिड भी बोला जाता है, और इसी B2O3 की वजह से इस बोरिक एसिड के नाम के आगे क्या लगा दिया जाता है? ऑर्थो लगा दिया। तो जिन भी एसिड्स के नाम के आगे ऑर्थो है गिव्स यू एन इंडिकेशन कि उसमें से पानी निकालो, स्टेबल ऑक्साइड उनका जरूर एग्जिस्ट कर रहा हूं। इज दैट क्लियर टिल नाउ? तो दिस सीक्वेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस थिंग दैट ब्यूरिक B2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ बोरिक एसिड, ये पता रहना चाहिए, और इसी की वजह से इसके नाम के आगे ऑर्थो लगता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बोरिक एसिड का। इज दैट क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट? बोरैक्स, एज आई सेड फॉर्मूला क्या है? Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ
क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज बोरेक्स. ठीक है, इसको बेटा अगर इसका स्ट्रक्चर लिखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है. पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि कैसे. चार बी है आपके पास, चार बोरॉन ऐसे बना लीजिए, सब में ब्रिजिंग ऑक्सीजन बना लीजिए. ब्रिजिंग ऑक्सीजन बना लिया, ठीक. अब क्या करना है आपको, एक ब्रिजिंग ऑक्सीजन आपने यहां बना लिया इन दोनों के बीच में, या इन दोनों किसी एक के बीच में आपने एक और ब्रिजिंग ऑक्सीजन बना लिया. मतलब एक दो तीन चार, चार ब्रिजिंग ऑक्सीजन आपने बनाए और फिर हर बोरॉन पे एक OH दो. यहां एक OH दिया बेटा, यहां एक OH दिया, यहां एक OH दिया, यहां एक OH दिया. तो मैंने क्या किया, चार बोरॉन बनाए, हर चार बोरॉन के बीच में पांच ब्रिजिंग ऑक्सीजन बनाए. चार तो बगल बगल में बना दिए, एक किसी दो ऑपोजिट के बीच में बना दिए. चाहे ये दो ऑपोजिट ले लो, चाहे ये दो ऑपोजिट ले लो, वट एवर यू फील लाइक. एंड देन सारे बोरॉन पे एक एक OH दे दिया. नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, बोरॉन कैन कन्वीनियंटली मेक थ्री बॉन्ड्स. एवरी बोरॉन कैन कन्वीनियंटली मेक थ्री बॉन्ड्स. अगर फोर्थ बॉन्ड बोरॉन बना रहा है तो उस बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आएगा. फॉर एग्जाम्पल BF3 होता है, जब अपनी कोवेलेंसी एक्सीड करता है तो BF4- बनाता है. फोर्थ बॉन्ड बनाया, एक नेगेटिव चार्ज आया. BOH होल थ्राइज होता है, तीन बॉन्ड बना रखा है OH के साथ, BOH होल फोर बनाएगा तो एक माइनस चार्ज आएगा. तो जब भी वो चौथा बॉन्ड बनाएगा उस पर माइनस चार्ज आएगा. क्यों? क्योंकि वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा चौथा, क्योंकि उसका ऑर्बिटल खाली है, तो दो कोई दूसरा बंदा जो आगे वो इलेक्ट्रॉन देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा स्पीशीज के ऊपर. तो यहाँ पर भी ये चीज़ देखिए, यहाँ तो बोरॉन के तीन बॉन्ड है, बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा मॉलिक्यूल. यहाँ पे भी तीन बॉन्ड है, न्यूट्रल रहेगा, लेकिन यहाँ तो चार बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर इस बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और इस बोरॉन पे भी क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज. समझे? अब ये दो सोडियम कहाँ से आए? सोडियम तो हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाता है, आयनिक इंट्रैक्शन बनाता है. तो ये जो दो बोरॉन है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ सोडियम ने क्या बना रखा है, आयनिक इंट्रैक्शन. Did you get the point? Now this boron has a hybridization of sp2, of course, क्योंकि तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. This boron will have a hybridization of sp2, of course, क्योंकि तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. But this boron is forming four sigma bonds. Its hybridization is sp3. Similarly, this boron has a hybridization of sp3. So in borax, I will say I have two borons in planar units. Planar units means sp2 hybridized. And two boron in pyramidal या फिर tetrahedral units कह दीजिए, tetrahedral units, that means two borons are sp3 hybridized. मतलब दो boron तो planar हैं और दो boron non-planar है tetrahedral form में, और जो non-planar है tetrahedral form में है उनके साथ sodium ने क्या बना रखा है, ionic interaction. Clear? Now just understand इस वाले, इसका molecular formula check करना एक बार. चार boron है वो ये रहे, तो मैं इसको इस तरीके से अगर लिखूं, फोर बोरॉन, ठीक है, दो सोडियम है Na2, ठीक. हर बोरॉन पे आपने OH कितने लगाए हैं, चार, और मॉलिकुलर फॉर्मूला में ऑक्सीजन कितने हैं, पांच. तो इसे लिख सकते हैं ना, Na2 O5 OH4. कैन आई राइट इट दिस वे? क्लियर? अब इस फॉर्मूला में H बताओ कितने हो गए, यहां पे चार एच हो चुके हैं, और इस फॉर्मूला में कितने एच है, 20. 20 में से चार एच तो यहां चले गए, तो कितने एच बचे, 16. 16 एच मतलब आठ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन होगा. समझे? और ऑक्सीजन आप चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो, ऑक्सीजन यहां कितने हैं, पांच. यहां ऑक्सीजन कितने हैं, चार. नाइन ऑक्सीजन, नाइन प्लस एट कितने ऑक्सीजन हुए, यहां पर भी उतने ही है, 10 प्लस 7, 17. तो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज दिस फॉर्मूला डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर. तो हमें इस फॉर्मूले को देखकर लगता है कि बोरैक्स में 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, बट स्ट्रक्चर से पता चलता है कि उसमें 8 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. बाकी जो वाटर है वो फॉर्मूला एक तरीके से कहते हैं ना, कंडेंस फॉर्मूला लिख दिया आपने उसका, बट बाकी जो वाटर्स है ना वो OH और O के फॉर्म में इस तरीके से अरेंज है इसके अंदर. डिड यू गेट द पॉइंट? तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर बोर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉक्स. These two are the molecular formula of borax, but this is the real formula depending upon the structure, which gives me an indication the borax does not have 10 water molecule of crystallization. It basically has 8 water molecule of crystallization. बाकी जो दो water molecule है वो H और OH के form में inside the structure arranged. Is that clear till now?
ठीक। तो बोरैक्स के स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल आ सकता है कि कितने टेट्राहेड्रल यूनिट हैं, दो, कितने प्लेनर यूनिट हैं, दो, और कितने बोरॉन ऐसे हैं जो चार बॉन्ड बना रहे हैं, दो, कितने बोरॉन ऐसे जो तीन बॉन्ड बना रहे हैं, दो, कितने वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैं, आठ, और स्ट्रक्चर में कितने ब्रिजिंग ओ हैं, पांच, मतलब पूछ सकते हैं हाउ मेनी बीओबी बॉन्ड्स। तो वी हैव वन बीओबी, टू बीओबी, थ्री बीओबी, फोर बीओबी, फाइव बीओबी, फाइव बीओबी बॉन्ड्स वी हैव। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि बीओबी बॉन्ड्स कितने हैं, बीओ बॉन्ड कितने हैं, बीओ समझ रहे हैं, ये वाला भी बीओ में काउंट होगा, ये भी बीओ है, ये भी बीओ है ना। तो कितने बीओ बॉन्ड्स हैं, कितने बीओबी बॉन्ड्स हैं, ठीक है, कितने टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं, कितने प्लेनर यूनिट्स हैं, कितने वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एम आई क्लियर टिल नाउ? तो ध्यान से पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। हाँ, ये मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्योंकि बोरॉन के पास एक ऑर्बिटल खाली है बेटा। कैसे खाली है? कुछ आता है हाइब्रिडाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन? तो फिर कैसे एक्सप्लेन करूँगी? ट्राई करते हैं। बोरॉन हमारा 1s2, 2s2, 2p1 होता है। दिस इज द कॉन्फिगरेशन। 2s2 इज दिस, 2p1 इज दिस। नाउ बोरॉन हैज टू फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स? थ्री। तो इट विल एक्साइट वन ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टू हेयर। तो अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है बेटा, एक एस और तीन पी ऑर्बिटल मिलते हैं, मतलब जितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं उतना हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आपके सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? तीन। तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक एस का पावर वन है ना, और पी का पावर टू, टू टू प्लस वन थ्री हुआ ना, तीन इज अ सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो टू प्लस वन थ्री हो गया ना पावर, तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू होगा, मतलब एक एस ऑर्बिटल दो पी ऑर्बिटल के साथ मिलेगा। तो एक एस दो पी मिला, हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू कराया, ये ऑर्बिटल जो खाली रह गया टू पी का, दिस इज द वेकेंट ऑर्बिटल, दिस विच आई हैव मेड हेयर। तो ये होता क्या है, जैसे बी एफ थ्री है तो उसमें तीन बॉन्ड्स ऐसे रहेंगे फ्लोरीन के, और एक ऑर्बिटल क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो दूसरा एफ माइनस आके ना अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये बना देगा बी एफ थ्री एफ माइनस, जिसको मैं लिख सकती हूँ बी एफ फोर माइनस। तो जब भी बोरॉन या कोई भी बंदा अपनी कोवेलेंसी एक्सीड करता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसको अपना ऑक्सीडेशन स्टेट एक तरीके से कह लो सेम रखना है। जैसे बी एफ थ्री है तो बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? तीन। तो यहाँ पर भी चाहे उसने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीडाइज रिड्यूस थोड़ी हुआ है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम ही रखना है। तो यहाँ पर अगर चार फ्लोरीन खाली लगा दूंगी तो उसके ऊपर प्लस चार आ जाएगा ना, पर इसके ऊपर प्लस थ्री रहना है, इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर, है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड इज बोरैक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हमने देखा है, उस बोरैक्स को बोला जाता है प्रिज्मेटिक बोरैक्स। एक और बोरैक्स होता है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 की बजाय यहाँ 5 होते हैं, मतलब फॉर्मूला हो गया Na2B4O7.5 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल बोरैक्स। और अगर वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे ही नहीं, Na2B4O7 होगा खाली, तो इसको बोला जाएगा ग्लास बोरैक्स। तो ऐसे बहुत सारे बोरैक्स होते हैं मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ किसको स्टडी करूंगी, प्रिज्मेटिक बोरैक्स को, मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसका मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया है। दिखने में लग रहा है 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बट है एक्चुअली स्ट्रक्चर वाइज कितने, 8। यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो वी विल गोइंग टू स्टडी दिस प्रिज्मेटिक बोरैक्स। बोरैक्स जो है बेटा, ये बेसिक इन नेचर है, इट्स बेसिक इन नेचर। नाउ ऑब्वियसली होगा भी सही बेसिक, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो, इसमें जैसे मैंने बोला था Na2B4O7 को ही अगर आप नोटिस करते हो तो इसमें सोडियम वाला पोर्शन है, बोरॉन वाला पोर्शन है। अभी जस्ट हम जब बोरिक एसिड कर रहे थे तो आई टोल्ड यू सोडियम वाला पोर्शन कहाँ से आया होगा, NaOH से, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। और बोरॉन और ऑक्सीजन वाला पोर्शन कहाँ से आया है, बोरिक एसिड से, विच इज़ अ वीक एसिड। तो दिस इज एक्चुअली अ सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ वीक एसिड, एंड देयरफॉर इट इज बेसिक इन नेचर, है ना। तो अब इसे मान लीजिए कि ये एक तरीके से सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का, इसलिए ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। और बोरैक्स का बेटा एन फैक्टर जो होता है वो 2 होता है, 2 इज इट्स एन फैक्टर। हाउ यू कैन से इट्स एन फैक्टर इज 2, इट्स लाइक आप इस फॉर्मूले को देखिए, जब आप इसे तोड़ेंगे तो एक मोल बोरैक्स का 2 NaOH देगा ना, क्योंकि Na 2 है तो 2 NaOH होगा, और बेसिक इन नेचर है तो 2 NaOH, हर NaOH का फॉर्मूला मतलब एन फैक्टर क्या होता है, 1, पर एक मोल से तो जो 2 NaOH मिल रहा है मतलब 2 एन फैक्टर हो गया, सो इट्स एन फैक्टर इज 2। बोरैक्स हैज एन फैक्टर ऑफ 2 एंड इट इज बेसिक इन नेचर। इफ वी ट्राई टू प्रिपेयर बोरैक्स वी कैन डू इट्स प्रिपरेशन,
अगेन एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है इसकी बोरिक एसिड से, H3BO3 में आप सोडियम कार्बोनेट दे दीजिए बेटा, Na2CO3 डाल दीजिए इसके अंदर, देखिए क्या मिलेगा. एज आई टोल्ड यू आपको मिलेगा बोरैक्स Na2B4O7, Na2B4O7. तो जैसे हम लोग बोल रहे थे, सुनो जरा मेरी बात ध्यान से, हम लोग बोल रहे थे कि ये जो सॉल्ट है NaOH का और बोरिक एसिड का, तो बोरिक एसिड में अगर मैं कोई एक बेस डालती हूँ, दिस इज द बेस वी आर एडिंग, है ना, ये बेस कहाँ से आया होगा, NaOH और कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो उसमें से जो NaOH है और बोरिक एसिड है वो तो मिलके बोरेक्स बना दिया, और क्या बचा, कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड इज वॉट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट विल कम आउट, isn't it? Did you get the point? भाई बोरिक एसिड ये रहा, ये किससे मिलकर बना है, NaOH और H2CO3. NaOH और बोरिक एसिड तो बोरैक्स बनाते हैं, उन्होंने मिलकर बना दिया बोरैक्स, ठीक. और इसमें क्या बचा, कार्बोनिक एसिड ही तो बचा खाली, तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 किससे मिलकर बनता, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, वो निकल गया, ठीक. सिमिलरली एक और रिएक्शन हो सकता है, वो कैल्युमिनाइट और Ca2B6O11 जो हम कह रहे थे, इसमें भी आप Na2CO3 पास करिए. सबसे पहले बेटा आपको मिलेगा Na2B4O7 कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 मिलता है, इसका नाम क्या होता है बेटा, सोडियम मेटाबोरेट. आप देखेंगे HBO2 भी लिखा था, HBO2 वो दैट वाज मेटाबोरिक एसिड, उसी का तो सॉल्ट है, तो सोडियम मेटाबोरेट है ना, तो सोडियम मेटाबोरेट मिलता है. और सोडियम मेटाबोरेट से अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस से पास करती हूँ बेटा, तो मुझे फिर से बोरैक्स मिलता है. वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन. कौन सा, मैं बता रही हूँ अभी, ये यहाँ लिख रही है आपने ये, अब जरा सुनो एक मिनट, यहाँ पे देखिए एक मिनट, आपने कैल्मिनाइट और लिया, उससे आपने Na2CO3 पास किया, तो आपको बोरैक्स मिला, एक बाय प्रोडक्ट मिला सोडियम मेटाबोरेट. सोडियम मेटाबोरेट में अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास करती तो वापस से बोरैक्स में और सोडियम कार्बोनेट में जो है कन्वर्ट हो जाता, तो इससे मुझे फायदा क्या होता है, बोरैक्स की यील्ड बढ़ जाती है. मतलब मैं क्या कर रही हूँ, इस रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट से वापस से बोरैक्स बना रही हूँ, तो रिएक्शन की यील्ड बढ़ गई, और साथ में मैंने यूज क्या करा था, Na2CO3, वो भी रीजनरेट हो गया, मतलब जो आपने यूज किया वो भी बन गया और प्रोडक्ट की यील्ड बन गई. इसलिए इस रिएक्शन को बेस्ट प्रिपरेशन बोला जाता है बोरिक एसिड का, मतलब बोरैक्स का. बोरैक्स का बेस्ट प्रिपरेशन इज यूजिंग कैल्मिनाइट और वाई, बिकॉज तो आप रिएजेंट यूज कर रहे हैं, आप उसे भी रीजनरेट कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो वापस से आपको बोरैक्स मिल जाएगा, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ द बोरैक्स इंक्रीजेस. बोरैक्स बीड टेस्ट, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोरैक्स का, बोरैक्स बीड टेस्ट. अच्छा एक चीज और मैं यहां बताना चाहूंगी कि आप लोगों को हर एक चीज को डिटेक्ट करना आना चाहिए. फॉर एग्जांपल एल्कली मेटल्स मेरे पास होते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मेरे पास होते हैं, दे आर डिटेक्टेड यूजिंग फ्लेम टेस्ट. एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स गिव फ्लेम टेस्ट. अभी आपने जस्ट क्या पढ़ा, बोरिक एसिड, हाउ इज बोरिक एसिड डिटेक्टेड, हमें कैसे पता ये बोरिक एसिड मिला है, उसके लिए एक टेस्ट होता है, वो लिख लीजिएगा कि बोरिक एसिड को जब मैं इथेनॉल के साथ ट्रीट करती हूँ C2H5OH, तो बोरिक एसिड बर्न्स विद अ ग्रीन एज्ड फ्लेम, बर्न्स विद ग्रीन एज्ड फ्लेम, ग्रीन एज्ड फ्लेम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस BOC2H5 whole thrice. सुने जरा ध्यान से, वट इज दिस रिएक्शन, बोरिक एसिड इज दिस OH whole thrice. और जैसे भी मैं कह रही थी ना इत, वो अगर आप सिस डायऑल डालते तो पानी निकल जाता है यहाँ से, तो वैसे आपने इथेनॉल डाल दिया C2H5OH, तो C2H5OH का एक OH ये हो गया C2H5. सिमिलरली यहाँ पे भी एक OH आया C2H5 आया, एक OH यहाँ पर आया C2H5 आया, सबसे पानी निकाल दो H2O.
फॉर्मूला देखिए क्या बन गया, बी ओ सी टू एच फाइव, 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 यही बना ना। तो इसको मैंने लिख दिया बी ओ सी टू एच फाइव बोल थ्राइस। दिस इज अ वॉलेटाइल कंपाउंड। जब आप इथेनॉल डालते हो इथेनॉल फ्लेमेबल होता है, जैसे ही आप बोरिक एसिड में इथेनॉल डालते हो और उसे फ्लेम मतलब जैसे आग पकड़ते हैं तो फ्लेम का जो एज होता है वो ग्रीन हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस, जिसको बोला जाता है इथाइल बोरेट। तो दिस इज अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई कि जो प्रेजेंट है, जो एसिड प्रेजेंट है वो कौन सा प्रेजेंट है मेरे पास, बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का ये एक तरीके से कह लीजिए टेस्ट है, एक तरीके से फ्लेम टेस्ट है टू जस्ट टू चेक द एसिड दैट इज प्रेजेंट इज अ बोरिक एसिड, राइट। इज दैट क्लियर। सिमिलरली बोरैक्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं बोरैक्स बीड टेस्ट में। बोरैक्स बीड टेस्ट किया जाता है टू टेस्ट और चेक द प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल जो भी हमारे होता है कोबाल्ट कॉपर निकल जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको अगर मुझे चेक करना है तो मैं बोरैक्स बीड टेस्ट करती हूँ कि कौन सा एलिमेंट है, कॉपर है निकल है क्या है। तो वी यूज बोरैक्स बीड टेस्ट फॉर दिस। बोरैक्स बीड टेस्ट में क्या होता है, फॉर्मूला है बोरैक्स का Na2B4O7.10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यही है बेटा वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय वाटर मॉलिक्यूल ऑफ, इसको वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों बोलते हैं? गलत, उल्टा बोल दिया। वाटर जब होता है तो क्रिस्टल फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट दैट इज पाउडर, कॉपर सल्फेट डॉट फाइव वाटर मॉलिक्यूल इज अ ब्लू क्रिस्टल। तो वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं लिख रही हूँ तो प्रिज्मेटिक बोरैक्स का क्रिस्टल होगा मेरे पास, ठीक है। जब मैं इसे हीट करूंगी इसके वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकला मेरे पास क्या बना, एंड आई विल सी माय बोरैक्स इज गेटिंग स्वेल्ड। तो होता क्या है जब आप वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालते हो तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर खराब होने लगता है। तो बोरैक्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, आप जब उसे हीट करोगे तो उसका क्रिस्टल वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलेंगे, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर खराब होगा, आपको लगेगा कि वो फूलने लग गया, स्वेल होने लग गया। तो ये जो फॉर्मूला हो गया इसकी वजह से वो स्वेल हो जाएगा। फर्दर आपने उसको हीट करा तो ये बदल जाएगा NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3 में, इट विल गिव मी सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3। नाउ दिस थिंग विल कन्वर्टेड इनटू अ ग्लासी बीड। मतलब सबसे पहले आप क्रिस्टल बोरैक्स लेंगे, आप उसे हीट करेंगे, उसका वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलता जाएगा, वो स्वेल होने लगेगा। फर्दर आप उस वाले को वापस हीट करते जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे वो एक ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक प्रॉपर जैसे एक पर्ल होता है ना वैसा, मतलब उतना ब्यूटीफुल तो नहीं होगा पर्ल जैसा, ऑफकोर्स गंदा सा होगा, पर वो वैसे एक ट्रांसपेरेंट बीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो बीड होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Na2B2O3, मतलब दैट बीड हैज सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरॉन ऑक्साइड B2O3, राइट। तो इस ये प्रेजेंट रहता है बीड के अंदर। अब मैं क्या करती हूँ, मुझे जो भी ट्रांजिशन मेटल को चेक करना है, लेट्स से मेरे पास कॉपर का कोई सॉल्ट है या कोबाल्ट का कोई सॉल्ट है या निकल का कोई सॉल्ट है, उस सॉल्ट का जो पाउडर्ड फॉर्म होता है उस पाउडर फॉर्म को इस बीड के ऊपर लपेटते हैं। मतलब उस बीड को उस पाउडर में डाला, अच्छे से उस पाउडर के ऊपर उस जो भी पाउडर है आप जिसको भी आपको चेक करना है कि ये कॉपर का सॉल्ट है किसका सॉल्ट है, उसके पाउडर को बीड के ऊपर चिपका दिया, बढ़िया से चिपका दिया, उस बीड को पकड़ा टोंग से एंड डायरेक्ट फ्लेम पे हीट किया। तो जब मैं फ्लेम में हीट करती हूँ तो फ्लेम के भी दो पार्ट होते हैं बेटा, एक अपर पार्ट जो एज होता है फ्लेम का और एक द इनर पार्ट। द इनर पार्ट ऑफ द फ्लेम हैज कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन इट, तो जो इनर पार्ट होता है उसे रिड्यूसिंग फ्लेम बोला जाता है और जो बाहर का पार्ट होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोला जाता है। तो मैं उस टोंग से पकड़ के जिसके ऊपर वो पाउडर ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट इस बीड के ऊपर लगा हुआ है उसको डायरेक्ट हीट करती हूँ, एक बार ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में मतलब ऊपर से और एक बार फ्लेम के अंदर जो ब्लैक पोर्शन होता है उसके अंदर जिसके अंदर अनवांटेड कार्बन होते हैं उसके अंदर हीट करती हूँ और मुझे दो डिफरेंट कलर्स दिखते हैं और हर ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफरेंट कलर होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में और रिड्यूसिंग फ्लेम में। एंड देन वी हैव अ चार्ट
कि अगर कोबाल्ट है तो ये कलर देगा, निकल है तो ये कलर देगा, और उस कलर को पहचान के मैं ये पता करती हूँ कि मेरा जो ट्रांजिशन मेटल है जिसका मुझे सॉल्ट का पाउडर मिला था वो कौन सा ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट है। बात समझ आई? दिस इज वॉट इज बोरेक्स बी टेस्ट। हालांकि दिस टेस्ट यू डोंट हैव टू डू इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स, बट दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो। अगर बोरेक्स से क्वेश्चन आएगा तो 95% चांसेस है कि वो बोरेक्स बीड टेस्ट से आएगा। और सबसे बड़ी बात, अब ऐसा तो नहीं है मेरे पास तो चार्ट नहीं है कि मैं निकल का कलर पहचानूं, तो आपको सबके कलर नहीं पहचानने, आपको सिर्फ रिएक्शन याद रखना है कि रिएक्शन किसका किसके साथ हो रहा है। यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई द कलर्स। ये आपको नहीं बोलेंगे किसका ग्रीन कलर आ रहा है, इसका रेड कलर आ रहा है, बताओ कौन सा सॉल्ट है। वी डोंट हैव टू डू दिस। हमें बस ये बताना होगा कि ये बोरेक्स बीड टेस्ट है, इसमें क्या क्या कौन कौन कब कब रिएक्ट कर रहा होगा। दैट्स ऑल व्हाट वी नीड टू नो। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, हमारे पास बोरेक्स था, वी हीटेड अप, इट स्वेल्ड एंड देन वी फर्दर हीटेड अप, इट कन्वर्टेड इनटू अ ग्लासी बीड, एंड ओवर दिस ग्लासी बीड आई हैव यू नो रोल्ड इट इन टू द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल जिसको मुझे पहचानना है। लेट्स से वो ट्रांजिशन मेटल लेट्स से कॉपर का था, कॉपर ऑक्साइड का कंपाउंड था या किसी का भी था, तो कॉपर ऑक्साइड का जो भी कंपाउंड होगा वो इस ग्लासी बीड के साथ अब रिएक्ट करेगा जब आप उसे हीट करोगे। तो अब जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस ग्लासी बीड में तो दो चीजें, कौन रिएक्ट करेगा? दैट्स द पॉइंट। रिएक्ट करता है NaBO2। यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द एक्टिव कॉम्पोनेंट ऑफ ग्लासी बीड। द एक्टिव कॉम्पोनेंट ऑफ ग्लासी बीड इज सोडियम मेटाबोरेट। तो NaBO2 जो है इसके साथ रिएक्ट करता है, हमें मिलता है कॉपर मेटाबोरेट एंड सोडियम ऑक्साइड इज गिवन आउट। कॉपर मेटाबोरेट हैज सम कलर, लेट्स से ब्लू कलर, क्योंकि कॉपर के कंपाउंड जनरली ब्लू कलर के होते हैं, तो कॉपर मेटाबोरेट का ब्लू कलर होता है। इसको फर्दर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हीट करोगे तो वो रेड कलर का कॉपर दे देगा। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रेड कलर आ रहा है तो कॉपर है, रिड्यूसिंग फ्लेम में ब्लू कलर आ रहा है तो भी कॉपर है। तो इस तरीके से हर एलिमेंट का, एक ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर अलग होगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर होगा। दैट्स टू आइडेंटिफाई कौन सा है। अब हालांकि मुझे सबके कलर्स याद नहीं करने, मुझे कुछ नहीं याद करना। व्हाट आई हैव टू नो इज फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लासी बीड, हाउ इज ग्लासी बीड फ्रॉम बोरेक्स, what is the active component of the glassy bead and how is this glassy bead converting or reacting with the, agar suppose ye cobalt oxide hota to cobalt metaborate mil jata, CoBO2 whole twice mil jata, nickel hota to NiBO2 whole twice mil jata, jo bhi hoga uska wo complex ban jayega yahan pe aur uska koi na koi color hoga. jab aap ise heat karenge to aapko khali element mil jayega, uska koi na koi color hoga oxidizing flame mein, reducing flame mein, and then according to that color checking it with the chart, then you can have a idea ki kaun sa transition metal present hai. This test is known as borax bead test and is of utmost importance. Am I clear till now? There's a mistake, sorry. It's not sodium metaborate that reacts, it's B2O3 that reacts. Entire thing is correct, but iska active component kaun sa hota hai? B2O3 na ki sodium metaborate. तो कॉपर B2O3 के साथ रिएक्ट करके कॉपर बोरेट बनाता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमें कॉपर दे देता है। रास बोरॉन का ऑक्साइड सब निकल जाता है, B2O3 वगैरह सब निकल जाता है और इसका कलर आ जाता है रेड। तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना, एक्टिव कॉम्पोनेंट ऑफ ग्लासी बीड इज B2O3 ऑफ ग्लासी बीड इज B2O3। सोडियम मेटाबोरेट सिंपल एक सॉल्ट है जो कि बीड के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा, पर बीड के साथ, बीड और किसी भी कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट सिर्फ कौन करेगा? B2O3।